अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया डिश, लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आएगी वो आपके पास जल्दी से उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आइए इसे बना लेते हैं हम। ये हमने बना ली है अपनी डिश रतालू गोश्त। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनी थी और इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा अरबी गोश्त की तरह भी होता है और ये बहुत ही जल्दी से बन जाती है बहुत इजी तरीके से। तो आइए इसे हम बना लेते हैं। ये हमने अपना कुकर चढ़ा दिया है, इसमें हम तेल डाल देंगे। ये हमारा सरसों का हमने ऑयल ले लिया, इसमें जाएंगे हमारे खड़े मसाले, ये हमने ले लिया तेज पत्ता दो, और इसमें जाएंगे हमारे ये खड़े मसाले, इसमें जाएगी दालचीनी, हरी इलायची, काली मिर्च और बड़ी इलायची। इसको हम डाल देंगे अपने ऑयल में और इसको हम थोड़ा सा चटका लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें चटका लेना है। इसमें जाएगी हमारी दो मीडियम साइज की प्याज, इस तरह से हमने इसे बारीक काट ली है। इसमें हम डाल देंगे अपनी प्याजों को ऑयल में, ये देखिए इस तरह से, और इसको हम थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। लेकिन हमें प्याज का कलर चेंज नहीं करना है, बस सॉटे करना है हमें अपनी प्याज को। थोड़ा थोड़ी चला लेंगे अपनी प्याज। और हमने ले लिया है अपने बड़े का गोश्त। ये देखिए हमने इसे अच्छे से धो लिया था, ये आधा किलो के करीब हमारा गोश्त है 500 ग्राम। इसको भी हम डाल देंगे अपनी प्याज में और इसको चला लेंगे, ये देखिए अच्छे से। और इसमें चले जाएंगे हमारे कुछ मसाले। तो इसमें जाएंगे हमारे ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे हम 2 चम्मच भर के, और जाएगी इसमें लाल मिर्च पाउडर, साथ में जाएगा हमारा धनिया पाउडर 2 चम्मच भर के, और जाएगा हमारा हल्दी पाउडर। और इसमें हम सब डाल के इसको हम अच्छे से चला लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें चला लेना है। और इसमें हम सीटी ले लेंगे अब, और इसमें हमें 1 गिलास भर के पानी डाल देना है। ये देखिए हम 1 गिलास भर के पानी डाल देंगे इसमें और इसको चला लेंगे अच्छे से ताकि हमारे सारे मसाले मिक्स हो जाएं। और इसको हम लीड लगा देंगे इसकी, ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारी सीटी लग रही है हमारे गोश्त में। तो आइए अब हम आपको रतालू दिखा देते हैं। ये देखिए इस तरह के रतालू होते हैं और इस तरह से हम इसे छील लेते हैं। आप हाथ में थोड़ा ऑयल भी लगा लेना क्योंकि इससे थोड़ी सी खुजली मच जाती है, मेरे मच गई थी। आप लगा लेना ऑयल हाथ में और फिर इसे छीलना। तो ये देखिए इस तरह से ये आराम से छील जाता है, कोई बड़ा मसला नहीं है इसे छीलने में। तो ये देखिए अच्छे से हमने इसे छील लिया अपने रतालू को, ये दोनों रतालू हमने छील लिया, इन्हें वॉश भी कर लिया है। और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, देखिए काट लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी इसको शेप दे सकते हैं, मैं गोल शेप दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़े थे तो गोल शेप सही है इसकी। ये देखिए इस तरह से मैंने काट के इसे पानी में रख दिया है। तो अब मैं इसे साइड कर लेती हूँ, अपना गोश्त देख लेते हैं। तो ये देखिए सीटी इसमें लग गई है, 3 से 4 सीटी लगा लेती हूँ। तो ये देखिए इसमें पानी बचा है हमारे गोश्त में, और इसे अब हम अपने गोश्त को अच्छे से भून लेंगे। ये अब अपने गैस ऑन कर लेंगे हम। तो ये देखिए इसे हमें जब तक भूनना है जब तक कि इसमें ऑयल ना आ जाए, ये देखिए। हाँ, और नमक हमारा रह चुका था तो इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देना इसमें। अब इसे हम भूनेंगे अच्छे से, भूनना कि जब तक इसमें ऑयल ना आ जाए। और ये देखिए हमारी अब थिक होती जा रही है ग्रेवी, देखिए अब ये भूनने पे आ रहा है हमारा गोश्त कि अब ये ऑयल छोड़ देगा अच्छे से। तो इसी तरह हमें इसे चलाना है, 15 से 20 मिनट तक ये भुनना इसमें टाइम लगता है। तो ये देखिए क्या बढ़िया हमारा ऑयल आ चुका है, इस तरह से हमें भुनना है अपने गोश्त को। तो ये देखिए तैयार है, हमारी भुनाई हो चुकी है हमारे गोश्त की। तो इसमें अब हम डाल देंगे अपने सारे जो हमने रतालू कट किए थे ना, ये सारे अब हमने रतालू इसमें डाल देंगे, आराम से डाल देना। ये देखिए इसमें हम रतालू डाल देंगे और इसमें हम पानी डाल देंगे अपना, आप अपने अकॉर्डिंग पानी डाल देना क्योंकि ये गाढ़ा हो जाता है। तो थोड़ा पानी ज़्यादा डालना ताकि जिससे हमारी ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ी ना बने। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया अपने रतालू को गोश्त के साथ। इसमें मैंने 2 गिलास भर के पानी डाला है, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी डाल लेना। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, किसी के भी साथ आप खा सकते हैं इसे आराम से, लेकिन चावल के साथ ये बहुत बेहतरीन लगेंगे, आप इसे ज़रूर ट्राई करना चावल के साथ। तो देखिए मैंने इसे इसमें 2 गिलास भर के पानी डाल दिया और इसकी लिड लगा दी। आप सिर्फ इसमें 2 सीटी लेना, उससे ज़्यादा मत लेना। तो अब देख लेते हैं हम, हमारी 2 सीटी हो चुकी है। ये देखिए क्या हमारा कलर आ चुका है, और ये देखिए ग्रेवी भी कितनी बढ़िया बन चुकी है हमारी। रतालू मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए हमारे रतालू भी अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए क्या बढ़िया हमारे रतालू गल चुके हैं, बस 2 सीटी के अंदर ये भाप में भी बन जाते हैं, आप इसकी सीटी मत निकालना। ये देखिए अच्छे से गल चुके हैं हमारे रतालू। मैं इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, ये ज़्यादा ऊपर तक आ गया है इस कुकर में। तो ये देखिए मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है इसे भगोने में अपने,
और ये देखिए मैं इसे थोड़ा सा पकने दूंगी बस। ये देखिए ग्रेवी कितनी बढ़िया हमारी ग्रेवी बनी है। इसमें जाएगा हमारा गरम मसाला और साथ में जाएगा हमारा फ्रेश हरा धनिया, इसे मैंने अच्छे से धो के काट के रख लिया था। तो ये देखिए अब ऐसे 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए रख दूंगी, बस ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट तक के लिए। तो फिर इसे हम डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखिए मैं इसे डिश आउट कर लूँगी अब 2 से 3 मिनट के बाद। क्या बढ़िया हमारे रतालू गोश्त बनाए, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके घर में अगर मेहमान आए उन्हें एक नई डिश खिलाइए। रतालू खाते ही नहीं हैं ज़्यादा लोग, लेकिन आप उसे गोश्त में डाल के ज़रूर खिलाइए तो लोग इसे या तो आलू गोश्त या अरबी गोश्त समझेंगे। और आप इसमें थोड़ा सा नींबू भी शामिल कर लेना।